Traditional mehndi, as this title suggests, itself gives you a feeling of family, of shadi, dulhan. You know, it gives you a feeling that way. That's the sort of film that it is. Now, what the story is, it'll be really difficult for me to explain. Or I don't want to really. Actually, the character that I'm playing also. If I tell you about the character, then there's nothing left, you know, to say. Well, he's like, that's all. If I tell you anything about it, you know, it'll be like, because that is the main thing. I can't even say a word about the character. Because the character is, you should see how the character is, how he shapes up. If I tell you anything, even one word about it, then it's revealing the character. But I think the character is something that I've it's got a shade to it that you'll get rarely, you know. And that's not just talk. It is something that, first of all, I've done a couple of films, and I'm doing a couple of films. It's got a shade that none other have. So I'm very happy with that. Once I take up the film, I listen to the story, I listen to the script of the film. सब सुनने के बाद अगर मैंने हाँ कह दी, अगर मैं पिक्चर कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स आई एम हैप्पी विद इट टोटली. मैं क्यों बदलने लगा? वेरी कम्फर्टेबल, इट्स फाइन वर्किंग विद एवरीवन. इन फैक्ट एज आई ऑलवेज बीन सेइंग, आई बीन लकी, वेरी लकी विद को एक्टर्स, को स्टार्स, को पीपल एंड प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स. आई ऑलवेज हैड गुड टाइम एंड इट्स बीन गुड, वेरी कम्फर्टेबल. हिंदी क्या है इस पिक्चर? वेल, इट लाइक आई सेड, इफ आई टेक अप अ फिल्म, इट मीन्स अ लॉट टू मी, यू नो. एंड इफ देयर इज अ सर्टेन कैरेक्टराइजेशन टू द रोल, दैट्स व्हाट गेट्स मी, यू नो, कैरेक्टर इन द रोल. इज नॉट जस्ट सिंगिंग सॉन्ग्स और समथिंग लाइक दैट. सो दैट्स व्हाट आई फाउंड सो इंटरेस्टिंग. एंड आई एम वेटिंग. I've got my fingers crossed and waiting for the release of the film. I hope. It means a lot to me. Film means a lot to me. Mehndi does mean a lot to me. Mehndi film, बहुत दिनों के बाद एक घरेलू कहानी जो आज से 10-15 साल पहले घरेलू फिल्में बना करती थी, ये फिल्म का आधार वो नहीं है लेकिन घरेलू कहानी है. और इस कहानी में सबसे अच्छी बात है कि जो औरतों के प्रति सम्मान है या जो दृष्टि एक डाली जाती है, समाज जो डालता है, जिस नज़र से वो देखता है, ये मेहंदी उन रीति रिवाजों को लेकर एक फिल्म बन रही है. और सबसे उमदा बात इसमें यह है कि बहुत ही सेंसिटिव कहानी है और हीरोइन ओरिएंटेड कहानी है. कहानी के बारे में अगर मैं विस्तार से आपको बताऊंगा तो मैं समझता हूं एज एन एक्टर कि जनता को एक जो उत्सुकता होती है कहानी के बारे में वो नहीं रहेगी. एक जो मैंने आपको एक लाइन बताना चाहा था कि घरेलू, सामाजिक और हीरोइन ओरिएंटेड कहानी है, उसमें ख़्याल में मैंने विस्तृत रूप से कहने के बजाय मैंने एक लाइन में संक्षेप में आपको बताया है. मैं इस फिल्म में एक चौधरी का रोल है मेरा. एक गांव में मेरा बिज़नेस है और गांव में मेरा बिज़नेस है कि मैं किस तरह से अपने घर को देखता हूँ. मेरा जो लड़का है, हीरो है इस फिल्म का, फराज खान, और मैं बहुत कंजूस किस्म का मेरा करेक्टर है. किस तरह से मैं शादी करता हूँ, किस तरह से शादी से मैं उम्मीदें रखता हूँ कि क्या कुछ आएगा, क्या कुछ नहीं आएगा. और इसमें हिमानी शिवपुरी जो मेरी बीवी का रोल कर रही हैं, मेरी अपनी फैमिली है. और पूरी कहानी में मेरा करेक्टर हमारे घर में जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट है. और मैं बहुत दिनों के बाद, शायद पहली बार फिल्म इंडस्ट्री में मुझे इस तरह का मौका दिया गया है कि जैसे आमतौर पे मेरी एक इमेज रही है, नेगेटिव इमेज बनने की जो एक कोशिश रही है पीछे, उससे हटकर है वो. और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है ये करेक्टर को करने के लिए. एज़ फार एज़ माई एक्टिंग, माई करेक्टर जो मैं कर रहा हूँ, मैं अपना दारोमदार बिल्कुल डायरेक्टर के ऊपर छोड़ देता हूँ और जो समझ होती है उसके हिसाब से सजेशंस देता हूँ, अगर वो टू द कंटेंट, टू द सिचुएशन हो. अदरवाइज़
मैं बिल्कुल बच्चे की तरह अपने आप को डायरेक्टर को देता हूँ। मैं बहुत इत्मीनान से ये करेक्टर को कर रहा हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ, कोई मुझे हेजिटेशन या किसी तरह की कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। फिल्म की मेजर हाईलाइट मैं हूँ, मेरा परिवार है, और परिवार में जितना की घटनाएं घट रही हैं वो सब हाईलाइट हैं। और इसमें हीरोइन को बहुत अच्छा एक मौका मिला है काम करने के लिए, और रानी मुखर्जी को ये मौका मेरे ख्याल में बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जिस तरह का सब्जेक्ट है, और वो बहुत अच्छा कर भी रही हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो इस फिल्म में की बहुत बड़ी हाईलाइट होगी। ये सेम कंसेप्ट नहीं है, ये हम एक और फिल्म बना रहे हैं जिसकी कहानी ऐसी है जिसमें हमको इस तरह की स्टार कास्ट चाहिए, हीरो का रोल ऑलमोस्ट नेगेटिव है। तो ये जो सो कॉल्ड बड़े हीरो हैं इनके अंदर हिम्मत नहीं है इतनी उनके अंदर जिगर नहीं है कि वो नेगेटिव रोल खुलेआम करें। कुछ फिल्मों में कुछ एक्टरों ने किया है, उसके बाद उनकी भी हिम्मत जो है वो जवाब दे गई। अब उन्होंने ये कहा कहकर बाकी की फिल्में टाल दी कि नहीं ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन वो हिम्मत जो है उनकी वो टूट गई। तो नेगेटिव रोल करना एक बहुत हिम्मत का काम है। अब नया हीरो जो है वो क्योंकि उसकी चॉइस होती नहीं है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को। रानी को जो लिया है वो क्योंकि हमारा हीरो अगर नया है तो हमारी हीरोइन जो है वो ज़रूरी नहीं कि बहुत पॉपुलर स्टार हो, बहुत क्योंकि हीरोइन से जो है वो प्रोजेक्ट जो है उसमें खिंचाव नहीं आता है। कितनी भी बड़ी हीरोइन हो, जब से मैं इंडस्ट्री में आया हूँ 20-25 साल मुझे हो गए हैं, हीरोइंस जो हैं वो फिल्म को पुल नहीं करती हैं। हीरो जो है वो बड़ा होना चाहिए, बड़ा हीरो हो छोटी हीरोइन हो चल जाता है, बड़ी हीरोइन हो छोटा हीरो नहीं चलता है। और उसको रिपीट करना जो है वो एक तो उसका काम बहुत अच्छा था उस फिल्म में और बहुत अच्छी तरह एक्सेप्ट हुई थी, और वो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर रही है, तो वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। नहीं कोई अलग नहीं है, सेम उसी तरह वही कैमरा आता है, वही स्टॉक लगता है, उसी तरह की लोकेशन में हम शूटिंग करते हैं। अलग क्या है, कहानी में एक बात है कि कहानी हमको एक ऐसा कंसेप्ट है जो मैंने इससे पहले ट्राई नहीं किया है, जो कहानी का जो कंसेप्ट है उसमें ज़्यादा, क्योंकि जब तक डिटेल में ना बात की जाए वो समझ में नहीं आती है, लेकिन ये है कि जो कंसेप्ट है वो अच्छा कंसेप्ट है जो हर आदमी की समझ में आएगा, और कहानी वाली फिल्म मानी जाएगी। कहानी है इस फिल्म में, कहानी वाली फिल्में बहुत कम बन रही हैं, बहुत कम बनती हैं, तो कहानी वाली फिल्म है, फैमिली ड्रामा। अभी क्या होता है कि हम लोग जब फिल्म बनाते हैं तो हमको जो हाईलाइट्स लगती हैं वो बाद में लो लाइट हो जाती हैं, और जिनको हम लो लाइट समझते हैं वो हाईलाइट बन जाती हैं। तो ये जब तक ये पर्दे में फिल्म ना आए और थिएटर में जिस एटमॉस्फेयर में फिल्म चलती है देखी जाती है उस एटमॉस्फेयर में ही पता लगेगा कि ये हाईलाइट्स क्या हैं लो लाइट्स क्या हैं इसके। लेकिन ये है कि बहुत अच्छे फिल्म में बहुत अच्छे मोड़ हैं, बहुत अच्छी तरह जो है फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी गई है, तो उम्मीद है कि काफ़ी पसंद आनी चाहिए लोगों को।